नेक्स्ट पे बात करते हुए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 और गुडविल का सवाल है, पार्टनरशिप जो है वो फॉर्मेशन, इसमें आता है एक टॉपिक जिसमें गुडविल की एडजस्टमेंट होती है, हम बात करते हैं। कह रहा है एक्स एंड वाई आर सोल ट्रेडर, सही है, दे डिसाइडेड टू फॉर्म अ पार्टनरशिप एंड डिसाइडेड एंड एग्री टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। दो सोल ट्रेडर थे, अलग अलग अपनी अपनी दुकानें चला रहे थे, इन्होंने सोचा क्यों ना इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल दें और हम क्या कर लें भाई, पार्टनरशिप बना लें। गुडविल दे रहा है, एक्स के बिजनेस की गुडविल थी 2000, वाई के बिजनेस की कोई गुडविल नहीं। वाई जो है वो अभी अभी नए नए आए, कराची शिफ्ट हुए, पहले लाहौर में इनकी दुकान होती थी, अब वो कराची हैं, लेकिन दोनों की आपस में दोस्ती हो गई, इन्होंने बोला है दोनों की दुकानें एक कर लेते। हाउ इज दिस गुडविल रिकॉर्डेड इन द लेजर ऑफ पार्टनरशिप, गुडविल को क्या करना है भाई, रिकॉर्ड करना, रिकॉर्डेड। देखते हैं भाई नेक्स्ट पेज पे क्या क्या ऑप्शन दिए, ये चार ऑप्शन दिए। यार देखो गुडविल में थोड़ी मस्ती है, मस्ती ये होती है कि इसमें एक निमोनिक होता है और वो है एंडॉक। एंडॉक क्या है भाई, न्यू रेशो से डेबिट होती है गुडविल, ओल्ड रेशो से क्रेडिट होती है। न्यू रेशो से डेबिट होती है गुडविल कैपिटल अकाउंट में, ओल्ड रेशो से क्रेडिट। यार देखो दो एंट्रीज बनती हैं, पहली एंट्री बनती है गुडविल को क्रिएट करने की और दूसरी एंट्री बनती है गुडविल को एलिमिनेट करने की। क्रिएट करना गुडविल को रिकॉर्ड करें, जब गुडविल रिकॉर्ड होती है एंट्री क्या बनाते हैं, गुडविल डेबिट और कैपिटल अकाउंट्स क्रेडिट। मुझे बताओ इस सवाल में गुडविल है कितनी, इस सवाल में मिस्टर एक्स की गुडविल थी 2000 और मिस्टर वाई की कोई गुडविल नहीं थी, ऐसा ही था। अगर आप देखें सवाल में, एक्स की गुडविल थी 2000 और वाई के बिजनेस की कोई गुडविल नहीं थी, सही जी। आप देखते हैं क्या करना है हमें, अब ये करना है हमें कि पहले तो हम गुडविल को क्रिएट करेंगे, टोटल गुडविल कितनी है 2000, तो गुडविल डेबिट करेंगे। अच्छा जब कैपिटल क्रेडिट होगा तो ओल्ड रेशो में, ओल्ड रेशो का मतलब जो दोनों की अलग अलग दुकानें थी, किसकी दुकान चलती थी, एक्स की, वाई की दुकान नहीं चलती थी, तो एक्स की गुडविल आ जाएगी कितनी 2000, एक्स का कैपिटल बढ़ जाएगा 2000 से। तो हमें ये एंट्री बनानी है, क्या एंट्री बनानी है भाई, गुडविल डेबिट और कैपिटल एक्स का क्रेडिट। सवाल में इसने पूछा था गुडविल को क्रिएट करना है, क्या करना है, क्रिएट। एक बार दोबारा देख लें भाई, क्रिएट करने की बात की थी, क्रिएट करने की रिक्वायरमेंट में देख लें। हाउ इज दिस गुडविल रिकॉर्डेड इन द लेजर ऑफ पार्टनरशिप, गुडविल रिकॉर्ड कैसे होगी, सही जी। तो क्या एंट्री बनाएंगे, गुडविल डेबिट और एक्स का कैपिटल क्रेडिट। उसके बाद अगर वो बोलता सवाल में गुडविल को एलिमिनेट करो, क्या करो, एलिमिनेट, तो क्या एंट्री बनाते, अब ये एंट्री उल्टी हो जाती, गुडविल क्या हो जाती, क्रेडिट, और कैपिटल क्या हो जाते, डेबिट। गुडविल कितनी थी 2000 से क्रेडिट, लेकिन अब सेम एंट्री नहीं बनाएंगे, क्यों, जब गुडविल डेबिट होती है, जब कैपिटल डेबिट होता है तो न्यू रेशो में, न्यू रेशो क्या था, पहले था तेरी गुडविल इतनी है, मेरी कोई गुडविल नहीं है, अब ये था अब हमारी गुडविल कितनी है, हमारी गुडविल कितनी है भाई 2000, तो अब ये इक्वल पार्टनर हो गए, तो दोनों का अकाउंट डेबिट होगा कितने कितने से, 1000 से, एक्स और वाई। अगर एलिमिनेट करने की एंट्री मांगता तो हम ये वाली एंट्री बनाते, क्या एंट्री बनाते, कैपिटल एक्स का डेबिट वाई से 1000 से और वाई का डेबिट 1000 से और गुडविल क्रेडिट 1000। तो जब गुडविल एलिमिनेट करने की एंट्री बोलेगा तो ये वाली बनाएंगे, सेकंड वाली क्रिएट। थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड भी समझ में लें, गुडविल एलिमिनेट क्यों करते हैं भाई, देखो गुडविल जो होती है वो होती है इनटेंजिबल एसेट। दो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है जो बुरा मानते हैं गुडविल को रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए। पहला अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है, एग्जाम में आ सकता है, और वो है प्रूडेंस। प्रूडेंस कहता है अपने एसेट्स को जानबूझ के ओवरस्टेट ना करो। दूसरा कॉन्सेप्ट कौन सा भाई, प्रूडेंस के बाद है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट कहता है अकाउंट्स में सिर्फ वो चीज़ें आनी चाहिए जिसकी मॉनिटरी वैल्यू, कैसी वैल्यू है, मॉनिटरी। जिस चीज़ की मॉनिटरी वैल्यू नहीं है वो चीज़ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं होनी चाहिए। बात समझ में आ रही, जिस चीज़ की मॉनिटरी वैल्यू है वो तो अकाउंट्स में आनी चाहिए, जिस चीज़ की मॉनिटरी वैल्यू नहीं है, रुपए पैसे की वैल्यू जिसकी नहीं है, जैसे गुडविल जो है उसकी वैल्यू मेजर करना बहुत मुश्किल है, आपको नहीं पता कि आपके बिजनेस की गुडविल की वैल्यू क्या है, क्योंकि आपकी नज़र में वैल्यू कुछ और है, किसी और की नज़र में वैल्यू कुछ और है। एक अच्छे कस्टमर की नज़र में आपकी गुडविल कुछ और है और एक बुरे कस्टमर, डिससेटिस्फाइड कस्टमर की नज़र में आपकी गुडविल कुछ और, तो बहुत ही सब्जेक्टिव चीज़ है, इसीलिए गुडविल को हम पहले क्रिएट करते हैं बाद में एलिमिनेट कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप क्रिएट ही ना करो, आपने बोला खुद बहुत एलिमिनेट हो गए, नहीं, पहले क्रिएट करेंगे बाद में एलिमिनेट करेंगे। जब क्रिएट करने या रिकॉर्ड करने की एंट्री पूछेगा तो ये बनाएंगे, जब एलिमिनेट करने की एंट्री पूछेगा तो ये बनेंगे। एंड डॉक याद रखो, जब भी कैपिटल डेबिट होगा तो वो न्यू रेशो से, देखो यहाँ कैपिटल डेबिट हुआ है न्यू रेशो से, और जब भी कैपिटल बढ़ेगा तो वो होगा ओल्ड रेशो से।
आ रही बात सर?